अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने हैरत की बात है और अफसोस की बात भी है कि एक तरफ लोग मुसलमान बन रहे हैं, गैर मजहब के लोग हमारे मजहब में आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, और एक तरफ जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो अपने धर्म को छोड़ करके वो शैतानी मोहब्बत के चक्कर में आकर के हिंदू बन रही है। स्क्रीन पर आपको दो वीडियो दिखाई दे रही है। एक वीडियो जो कि अंग्रेज है, पूरी फैमिली कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई, और ये वीडियो बहुत दिनों के नहीं बल्कि 2 से 3 दिन हुआ होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ तभी से बहुत सारे लोग मुसलमान बन रहे हैं। पहले ही दिन 165 लोग मुसलमान बन गए थे, जो काफी वायरल भी हुई थी उन लोगों की वीडियो। इस वक्त इन फैमिलीज की वीडियो वायरल हो रही है। इसके बाद ये वीडियो देखिए, इस लड़की का नाम नाजमीन है, जो कि 2019 से जब टिकटॉक चल रहा था हिंदुस्तान में, उस वक्त से लेकर के अभी तक 2022 तक एक लड़के से मोहब्बत करती थी जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था। अभी ये शादी कर ली और हिंदू बन गई है, जो कि घर से भागकर शादी की है, मंदिर में शादी की है, और जो जाफरानी तंजीम के लोग हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि एक मौलाना की बीवी हिंदू से भागकर शादी कर ली थी। अगर उस वीडियो का आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप जरूर देख ले। कितने अफसोस की बात है, ये हमारी कौम की बेटियों को, बहनों को हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि इन लोगों को देखिए, कितने खुश नसीब है ये लोग जो के हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, वहां से उठ करके, वहां से निकल करके इस्लाम मजहब को अपनाया, और इससे जब पूछा गया तो ये खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आगे और बात की जाएगी। उसके बाद तो ये नाजमीन परवीन का जो वीडियो है, ये वीडियो कहाँ की है और अभी जो हिंदू बन गई इसका अभी क्या नाम रखाया है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस अंग्रेज फैमिली की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें। से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Allah is one. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. Almighty God, we ask you to take us to paradise. To help us to be in paradise with the messengers. And to save us from hellfire. इस वीडियो को आपने देख लिया, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस फैमिली को, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस्लाम पर कायम और दायम रखे। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाना जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, कि उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो कहाँ की है और किस तरीके के मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आइए आप इस वीडियो को देख लें। कहाँ रहती है, कब दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे? हमारी मुलाकात 2019 में हुई थी, टिकटॉक चलता था ना, टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम पे मैंने मैसेज किया था इनको। मैं इनकी ना वीडियोस वगैरह लाइक करा करती थी, इनकी वीडियोस वगैरह देखा करती थी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम पे मैसेज किया, फिर इन्होंने मैंने इनसे फ़ोन का बोला मुझे आप फ़ोन दो, मैं आप, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, फिर इन्होंने घर वालों ने पकड़ लिया मेरा फ़ोन, कई बार बहुत बार हो चुका है फ़ोन घर पकड़, घर वाले फोन देख लेते ना मेरे पास तो मुझे मतलब मारपीट करते थे। यहाँ पर ये खातून कह रही है कि लड़का इसे फोन दे जाता था, लेकिन पता नहीं इसके पास पहले फोन कहाँ से आया, ये किसके फोन में टिकटॉक देखती थी। टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये लड़की लड़के से कनेक्ट में थी, एक दूसरे की मोहब्बत इनकी चल रही थी। मारने की धमकी दिया करते थे मुझे। कहाँ तक पढ़ी थी, यहाँ पर कहाँ रहती थी? मैं 8th क्लास पढ़ी हूँ, यूँ मैं कुमराज शहर में रहती थी। ये भी वहीं पे रहते हैं, एक गली का फासला है बस हमारा, मतलब थोड़ी दूर का घर है। इसके घर वालों ने पकड़ लिया फ़ोन, फ़ोन पकड़ने के बाद इसको मारने पीटने लगे, तो इसने दोबारा और फ़ोन मंगवाते, मतलब जब भी पकड़ लिया करती थी इतना फ़ोन तो बार बार मंगवा लिया करती थी। इसके घर वाले बहुत मारते थे, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, ये मुझे मारते हैं, मुझे, मैं जेल की तरह रहती हूँ, उसमें मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, मेरे को बहुत फोर्स करते हैं, मुझे मारने की धमकी भी देते हैं कि उसके उससे बात करी तुझे मार देंगे, उसको भी मार देंगे, ऐसा कुछ करते करते। फिर मैंने कुछ टाइम बाद 2022 में, 20 मई 2022 को मेरी शादी थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये वीडियो आपने देख ली,
कि किस तरीके से फख्र के साथ ये बता रही है कि मेरा मामला इस तरीके से शुरू हुआ, टिकटॉक से मैं बात कर रही थी, वीडियोस अच्छे लग रहे थे, फिर नंबर तलब किया, फिर बातचीत होते 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 अब हम दोनों मियां बीवी बन चुके हैं, यानी कि ये एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। अपनी आखिरत भी बर्बाद हो गई, दुनिया भी बर्बाद हो गई। दर हकीकत दुनिया में जितने भी लोग खुश नजर आ रहे हैं, हकीकत अगर आप उसका हाल जब पूछेंगे 2 से 4 महीने के बाद, तो पता चलेगा कि वो किस तरीके की जिंदगी गुजार रही है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी और पेपर में भी नाम वगैरह आए थे कि एक मुसलमान लड़की थी जो कि हिंदू लड़के से भागकर शादी की थी, 2 या 3 महीने के बाद उस लड़के ने उसको जान से मार दिया। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वीडियोस और बहुत सारे ऐसे खबरें वायरल होती रहती है जो कि बाद में पता चलता है उस लड़की को हमने किया क्या है। आप देखें किस तरीके से जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान बन रहे हैं। आखिर क्यों बन रहे हैं? जाहिर है कि इस्लाम धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोग मुसलमान बन रहे हैं, और जो खानदानी मुसलमान है उन लोगों का हाल ये है कि वो हिंदू धर्म में जा रहे हैं। अजीब व गरीब मामला थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हैरत की बात है और बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमानों को खास करके अल्लाह तबारक व ताला हिदायत फरमाए, जो अपने आप को खानदानी मुसलमान बताती है और गैर कौम से ताल्लुक रखती है, उससे शादी करती है, उसके साथ भाग जाती है, उसकी वजह से माँ बाप कितने परेशान होते इसका अंदाजा भी उसे नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हिदायत फरमाए। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक जरूर शेयर करें। बाकी अगर मुझे बोलने में, समझाने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो जरूर मेरी सलाह करें। बाकी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।